बेटा बोला, मुझे शादी नहीं करनी है अभी, मुझे सभी औरतों से डर लगता है। पिताजी बोले, कर ले बेटा, फिर एक ही औरत से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगेंगी। पत्नी बोली, हमेशा मेरा आधा माथा दुखता है, लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पति देव जी बोले, अरे उसमें डॉक्टर को क्या दिखाना, वो तो जितना है उतना ही दुखेगा। बस तब से ही पति का पूरा बदन दुख रहा है। एक दिन पति और पत्नी में जोरदार झगड़ा होता है। पति गुस्से से, तेरी जैसी 50 मिलेंगी। पत्नी हंस के, अभी भी मेरी जैसी ही चाहिए आपको। माँ बोली, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा बोला, पढ़ रहा हूँ माँ। माँ बोली, शाबाश, क्या पढ़ रहे हो? बेटा बोला, आपकी होने वाली बहू के SMS पढ़ रहा हूँ, दे थप्पड़ दे थप्पड़। एक आदमी बोला, मेरे 4 बच्चे हैं, पहला MBA कर रहा है, दूसरा MCA कर रहा है, और तीसरा PhD कर रहा है, और चौथा चोर है। उसका फ्रेंड बोला, चोर को घर से निकालते क्यों नहीं? आदमी बोला, वही तो कमाता है, बाकी सब तो सब बेरोजगार हैं। पप्पू बहुत देर से एक लड़की को घूर रहा था। लड़की बोली, तेरी घर में माँ बहन नहीं है क्या? पप्पू बोला, है नहीं, तभी तो देख रहा हूँ, क्योंकि माँ को बहू चाहिए और बहन को भाभी चाहिए। एक औरत ने पंडित जी से घर की खुशहाली का उपाय पूछा। पंडित जी बोले, बेटी पहली रोटी गाय को खिलाया कर और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाया कर। औरत बोली, पंडित जी मैं ऐसा ही करती हूँ, पहली रोटी खुद खाती हूँ और आखिरी रोटी अपने पति देव जी को खिलाती हूँ। पंडित बेहोश। नो 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 नो